हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग सब। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो गाइज, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि तबले को ट्यूनिंग कैसे करना होता है, आज सीखेंगे ढोल को ट्यूनिंग कैसे करना होता है। ठीक है, मतलब कि ट्यूनिंग इन द सेंस स्केल कैसे मिलाते हैं सिंगर के स्केल के साथ लाइव। ठीक है, देखिए सबसे पहले उसके लिए मैं आपको हल्का सा एक बार रिवील करा देता हूँ कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए हुए हैं। आपको पता ही लग रहा होगा डिस्प्ले पे जो नोट से पैड हिट हो रहे हैं। ठीक है, पहले तो अगर आप लोगों को इसकी पैच की एडिटिंग चाहिए तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके ढोल के पैच की एडिटिंग मैंने वहां पे बता रखी है, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, वहां पे मैंने और भी बहुत सारे लेसन बता रखे हैं, वो भी आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर बात करें स्केलिंग की तो देखिए, सबसे पहले हमें संतूर हैप यूज करना है ताकि हम एक्चुअल में स्केल मैच कर पाए सिंगर किस स्केल से गा रहा है पहले। ठीक है, क्योंकि हमें स्केल मिलाएंगे तब जब हमें यह पता होगा कि सिंगर का स्केल क्या है। उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप अपनी सेंस से अपने आपके पास इतनी नॉलेज है कि आप उसे बता पा रहे हैं सिंगर ने स्केल गुनगुनाया, आपने आइडिया लगा दे कि ये वाले स्केल ये है, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप कीवर्ड वाले से चीज डिस्कस कर ले। ठीक है, या फिर सिंगर जिस टाइम स्केल बता रहा होता है उसके इशारे देख ले कि वो किस स्केल के लिए बोल रहा है। ठीक है, सपोज सिंगर ने बोला चौथे काले के लिए, ये होगा चौथा काला। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बार रिमाइंड कर देता हूं कि जीरो होता है सी स्केल, सी शार्प होता है ये, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी और देन आगे इनसे सी। ठीक है, अगर हिंदी में बात करूं तो हिंदी में पहला सफेद पहली काली, दूसरा सफेद दूसरी काली, इसे लोग अब जो ई नोट होता है इसे लोग ढाई भी बोलते हैं। ठीक है, बाकी ई नोट है, ठीक है, ढाई बोलते हैं बस लोग इसे, और पौने तीन भी बोलते हैं बस लोग इसे। ठीक है, बाकी ये हो गया तीसरा सफेद, तीसरी काली, चौथा सफेद चौथी काली, पांचवा सफेद पांचवी काली, और छठा सफेद मतलब कि बी नोट। ठीक है, और वापस से पहला सफेद। अभी एक चीज आपको बता दूं, यहाँ पे जो ई नॉट है, ई और बी नॉट ये दोनों फ्लैट होते हैं, इनका कोई शार्प नहीं होता कभी भी। ठीक है, ये बी फ्लैट और ई फ्लैट होता है हमेशा। ठीक है, तो ये हो गया हमारी कुछ वैसी नॉलेज, जनरल नॉलेज। ठीक है, म्यूजिक की तो अभी बात करते हैं। सपोज हमें इसे चौथे काले से मिलाना है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इसे चौथा काला मैच कर रहा है संतूर से, हो गया चौथा काला। अभी बात करते हैं हमें चार्टी को मिलाना है। ठीक है, आपको ऑल्टरनेट बताता हूं, बहुत अच्छा तरीका, बिल्कुल एकदम से राइट वे मिलाने का। देखिए, सपोज ये चौथा काला है अपना, यहां पे हमने 800 किया हुआ है जो भी हमारा मेन स्केल है सिंगर का। ठीक है, उससे अगर हम पांच नोट ढोल की चार्टी ऊपर कर देंगे, जो भी सिंगर का मेन स्केल है उससे अगर हम पांच नोट ऊपर कर देंगे तो हमारा सिंगर के मेन स्केल से मिल जाएगा। जैसे कि सपोज ये होगा हमारा चौथा काला, तो एक दो तीन चार पांच, आप सुन पा रहे होंगे अभी स्केल मिल चुका है। ठीक है, ओके, बट अब यहां पे एक प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिल रही होगी कि जो ये स्केल तो मिल चुका है पांच नोट ऊपर करने से, बट ये बहुत ऊपर बोल रहा है। ठीक है, तो ऊपर बोल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे इसके ढोल की चाटी खिल के ही नहीं आएगी, मतलब ये अच्छे से प्रॉपर से साउंड इसका नहीं प्रोड्यूस होगा। अब इसके लिए क्या करना है हमें, इसको हम गा पे भी मिला सकते हैं, वो चेक करके सॉन्ग माइनर है मेजर है। माइनर है तो आप कॉमन गा पे मिला सकते हैं, या फिर अगर मेजर सॉन्ग है भजन है तो उसे मेजर पे भी मिला सकते हैं शुद्ध गा पे। ठीक है, तो पहले ज्यादातर हम जो मिलाते हैं वो सा और पा पे मिलाते हैं। ठीक है, तो हम इसे हम क्या करेंगे, पाप नॉट में मिला लेंगे, क्योंकि सा नॉट इसका बहुत ऊपर पड़ रहा है, और अगर मंदर का सा रखेंगे, मतलब मंदर इन द सेंस जो मिड ऑक्टिव का सा रखेंगे वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम पा नॉट पे कर लेंगे, नी नी धा धा पा। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब कि अब आपको एक चीज और यहां पे क्लियर कर दूं, जो भी ओरिजिनल स्केल सिंगर का है उसके साथ अगर आप सेम वैल्यू ढोल की चाटी की रख लेंगे तो हर एक स्केल का पा नॉट मिल जाएगा। वापस रिमाइंड कर देता हूं आपको,
जो भी सिंगर का मेन स्केल है, सपोज वो ए बी सी डी पहली कली, दूसरी कली, तीसरी कली, कोई भी स्केल है ठीक है, उसी के हिसाब से आप अगर नोट कर देंगे यहाँ पे सेम वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट कर देंगे ढोल की चांटी की, तो आपका उसी स्केल का पा मिल जाएगा। बट उसके लिए आपको ये भी रिमाइंड होना चाहिए, ये मैंने आपको जो बताया था अभी, पहली काली, दूसरी काली, तीसरी काली, डी शार्प, एफ शार्प, ये भी सारा कुछ याद होना चाहिए आपको उसके लिए ठीक है। ये सारे नोट याद कर लेना। सपोज अब ये चौथा काला है, तो चौथे काले के लिए हमने क्या कर दिया, सेम वैल्यू ऑफ दी 800, 800, ये हो गया मेन स्केल और ये हो गया इसका पा। तो अब यहां पे हम ये सुनने में अच्छा लग रहा है और अभी इसे प्ले करने में भी अच्छा लगेगा। अभी देखिए, अब मैं सारे स्केल आपको मिला के दिखाता हूं एक बारी। सबसे पहले बात करते हैं पहले सफेद की, पहले काले की। तो ये हो गया मेन स्केल, ये हो गया हमारा ठीक है, ये हो गया मेन स्केल और सेम वैल्यू हमने कर दी इसकी, तो ये हो गया इसका पा। बट पा नोट अब जो है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि बहुत डाउन बोल रहा है, तो इसको हम पांच नोट ऊपर कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये हो गया सा नोट। अगर हम इसको प्ले करेंगे तो अभी सुनने में अच्छा लग रहा है ठीक है। तो ये हो गया, ऐसे मिलाएंगे दूसरे के सब काले को, दूसरे काले के लिए सेम। अगर पा नोट में प्ले करना है तो पा नोट ये हो गया ठीक है। अगर सा नोट प्ले करना है इसका तो 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, ये हो गया इसका सा नोट ठीक है। अब ये करते हैं तीसरे काले की बात, सेम वैल्यू रखिए, ये हो गया पा नोट। अगर चौथा का रखना है तो उसके बाद मैंने आपको चौथे के लिए बता दिया है, पांचे काले के लिए। अब देखिए यहां पे पांचा काला जो है ये थोड़ा सा ऊपर लग रहा है ठीक है, तो इसका हम पा हमने ऑलरेडी मिलाया हुआ है। देखिए सा नोट तो इसका बनता है 1, 2, 3, 4, 5 सा नोट बनेगा यहां पे ठीक है, पर इसका हम पा मिलाए 1, 2, 3, 4, 5 वापस से 5 कर दिए, हो गया पा ठीक है। मतलब कि अगर वैसे भी काउंट करें नी नी धा धा पा ठीक है, पा नोट हो गया। बट पा नोट भी ऊपर बोल रहा है तो क्या करेंगे, इसका हम गा मिला सकते हैं या फिर इसका हम सा मिला सकते हैं, नीचे वाला मिड ऑक्टेव का, मतलब कि बीच वाले ऑक्टेव का सा। जैसे कि ये हो गया पा मा मा गा। अगर आपको पता है कि मेजर में है सॉन्ग या माइनर में है, तो आप इसका गा मिला सकते हैं ठीक है। अगर नहीं पता है गा, श्योर नहीं हो, तो एक काम कीजिए फिर आप इसे मिड ऑक्टेव के साथ से मिला लीजिए। एक मतलब कि गा हो गया, ये गा कोमल गा, रे रे सा, ये हो गया सा। अब आपको सुनने में ये लग रहा होगा सा मिल चुका है ठीक है। तो जो हाई ऑक्टेव के जो स्केल्स पे अगर मतलब हाई ऑक्टेव से अगर स्केल उठाया है किसी सिंगर ने, मतलब जैसे कि ए शार्प हो गया, बी नो बी हो गया, बी फ्लैट, तो या फिर ए ए नॉट हो गया, ये थोड़ा हाई ऑक्टेव पड़ते हैं ठीक है। जैसे कि हो गया ए, ये ए शार्प है, ये ए हो गया, तो इसलिए ठीक है, ये हो गया इसका मिड ऑक्टेव का सा, ये हो गया इसका पा और ये हो गया इसका सा ठीक है। अगर सपोज बी का बी स्केल से कोई गा रहा है, बी स्केल से, तो ये हो गया इसका पा, ये हो गया इसका सा और ये हो गया इसका मतलब कि नी नी धा धा पा मा मा गा गा रे रे सा। सॉरी एक मिनट, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये हो गया पा मा मा गा गा रे रे सा। तो 400 पे क्या हो गया, इसका सा मिल गया मिड ऑक्टेव वाला ठीक है। अब मैं एक बार आपको क्लियरेंस दे देता हूं वापस से। कोई भी स्केल जो सिंगर का है, जिससे सिंगर गा रहा है, अगर आपको पता लग जाता है अपने आप से तो ठीक है, अदरवाइज सिंगर से पूछ लीजिए ठीक है। और उसके बाद अपनी वैल्यू याद रख लीजिए कि संतूर के कौन से उस पे कहां पे कौन सी वैल्यू है ठीक है।
जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था सी सी शार्प डी डी शार्प ई एफ एफ शार्प जी जी शार्प ए ए शार्प बी फ्लैट और अगेन से सी, ठीक है। तो ये वैल्यू याद कर लीजिए हिंदी में भी। तो यहां पे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, सबसे पहले कि आप सेम वैल्यू जो सिंगर के स्केल की है अगर वही वैल्यू अपने ढोल की चाटी के रखते हैं, खाली ढोल की चाटी का बेनिफिट बता रहा हूं आपको, ठीक है। यही सेम वैल्यू आप ढोल की चाटी के रखते हैं तो उसका पा मिलता है और उससे 5 नॉट ऊपर कर लेते हैं। अगर लगता है आपको कि जो वैल्यू मैंने मिलाई है सेम वैल्यू ये थोड़ा डाउन में बोल रहा है तो उसका अगर 5 नॉट ऊपर कर लेंगे तो हमारा सा मिल जाएगा। और अगर वही वैल्यू मतलब वही स्केल ए शार्प ना होके बी फ्लैट है तो उस टाइम पे हम उसकी सेम वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि सेम वैल्यू में पा बोलेगा और बहुत ऊपर बोलेगा और उससे ज्यादा ऊपर बोलेगा उसका सा। अगर हम उससे 5 नॉट और ऊपर कर देंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये हो गया हमारा बी फ्लैट, ठीक है। देन इसके बाद ये हो गया इसका पा और ये हो गया इसका सा। ये बहुत ज्यादा ऊपर बोले यहां पे ढोल की चाटी अगर हम हिट करेंगे तो अच्छा साउंड नहीं देगी तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं इसका नीचे वाला सा मिला सकते हैं। अगर मिड में है जैसे कि हम चौथा काले लेते हैं चौथे काले के हिसाब से तो हम चौथे काले के हिसाब से हम पा यूज कर सकते हैं, यहाँ पे चांटी अच्छे से साउंड देती है, ठीक है। तो आपको आई होप की आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा आज की ढोल की एडिटिंग ट्यूनिंग कैसे करते हैं प्रॉपर से। और कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि लर्निंग वीडियोज को अपडेट्स मिलते रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर एक व्यक्ति जो 30 पैड के यूजर्स है उन सबको ये पैड का रेटिंग के बारे में पता चल पाए, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।